डिवाइन मैस्कुलिन का नेचर कैसे होता है? वैसे तो जैसा सुप्रिया मैम बताती है ना अपने वीडियोस में डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट, तो वो एकदम परफेक्ट जाता है। फिर भी मेरे हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जाहिर सी बात है क्योंकि मुझे बाकी लोगों का ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरी खुद की जर्नी का जो है ऑब्जर्वेशन है, और जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस के वीडियो मैंने सुने हैं उनको ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। तो मैं बाकी जो मुझे ड्रीम से कलेक्ट हुआ है वो मैं शेयर करती हूँ आज। देखो, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, दोनों ही ना वो मतलब दुनिया का भला चाहते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। अब ये अलग बात है कोई किसी चीज़ को उकसाता है या उनको कोई भड़काता है, परेशान करता है, फिर वो उनको गंदी गालियाँ देते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, तो ये अलग बात है। जैसे एक टावर मोमेंट आता है तो खुद को बचाने के लिए जो है डिवाइन मैस्कुलाइन जो है झाड़ देता है, मतलब मैं वो हूँ था ही नहीं, मतलब मैं मतलब मराठी में कहा जाता है ना टीवी नवेज, उस टाइप का वो बिहेवियर बना लेता है कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो इस चीज़ में नहीं हूँ, ऐसा वो दिखाता है। वो भी थर्ड पार्टी के डर से हो या वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि कहा जाता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन का भी जो हार्ट चक्र जब तक ओपन नहीं होता तब तक वो अपनी रियल फीलिंग्स क्या है, सोल उनकी क्या कह रही है वो जान नहीं पाते, इसलिए जो है उनको झटकों की, अवेकनिंग की जो है बहुत ज़रूरत होती है, अवेकनिंग के लिए, रियल अवेकनिंग के लिए। तो इसीलिए वो स्टार्टिंग में जो है एक्सेप्ट नहीं करते, और बहुत पेनफुल जो होती है अवेकनिंग के बाद ही वो उस चीज़ को समझ पाते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझे हैं तो एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए वो जो है थर्ड पार्टी के पीछे छुप जाते हैं। फिर वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, काम हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप को छुपा लेते हैं, तो कबूल नहीं करते कभी भी। तो मैं बताती हूँ कि मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन का नेचर क्या था, और उसको तो बहुत प्राउड फील होने वाला है अगर ये सुनेगा तो। और देखो, दोनों का ही नेचर जो होता है प्रोटेक्टिंग नेचर होता है, ये भी जो होती है डिवाइन फेमिनाइन, अपने भाई बहनों को कोई भी उससे मदद मांगने आए या कोई भी, मतलब वो भला चाहती है सबका, बट एक नेचर होता है, कॉमेडी नेचर होता है, गुस्से वाला नेचर होता है। जैसे कोकोनट होता है ना, दोनों भी कोकोनट की तरह होते हैं, बाहर से एकदम कड़क, अंदर से एकदम मलाई मीठा पानी, तो दोनों भी ऐसे ही होते हैं, बट बहुत मुश्किल होता है फिर भी दोनों को एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के पास आकर भी जो है जब तक अवेकनिंग नहीं होती दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तब मैंने बताया था कई सारे वीडियोस में कि मुझे बहुत स्टार्टिंग में भयानक ड्रीम आए थे कि ये जो पर्सन है मतलब ही वॉन्ट्स टू यूज़ यू लाइक, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कि मुझे लगता था कुछ भी हो मुझे यहाँ से सिर्फ भागना है। तो ये डिवाइन का प्लान होता है, डिवाइन जो है खुद डिवाइन फेमिनाइन को बुलाते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में और खुद ही उसको भगाते हैं वहाँ से, तो वो उसके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि मुझे यहाँ से भागना है, क्योंकि ये डिवाइन प्लान है, तो वो उसके दिमाग में डाल देते हैं कि तू भाग जा यहाँ से, मतलब भाग जा मतलब दोनों को सेपरेट करना है। तो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को नहीं, दोनों को ही बोलते हैं, दोनों भी एक दूसरे से भागते हैं टावर मोमेंट के टाइम पर, उसको भी भगवान बोलते हैं तो भाग जा, तो वो भी क्या करता है थर्ड पार्टी के पीछे छुप जाता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन अपने आप को, अपने ट्रू फीलिंग्स को है जो दुनिया के सामने कभी लाने नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है दिस इज दुनिया के लिए, दिस इज नॉट करेक्ट, तो वो जो है दुनिया के डर से अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाता है। और ये भी जो है क्योंकि दोनों के लिए भी वो चीज़ नहीं होती है, मतलब न्यू होती है, तो वो समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, दोनों दोनों भी भाग जाना चाहते हैं, बट जब दोनों की अवेकनिंग होती है तो दोनों को रियल में समझ आता है कि फैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है एक ही आत्मा के दो पार्ट है। तो स्टार्टिंग में डिवाइन फेमिनाइन क्योंकि वो फेथफुल होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है इस चीज़ को, लेकिन उसकी भी अवेकनिंग जो होती है बहुत पेनफुल होती है, तब जाके वो
एक्सेप्ट करती है, नहीं तो वो भी छोड़ छोड़ के भागती है, वो भी उस फैक्ट को जो है उठाना नहीं चाहती, वो भी छोड़ के भागना चाहती है, क्योंकि सोसाइटल कंडीशन इतने हार्श होते हैं। वो जानकर भी वो समझ जाती है कि ये जो है मेरी मेरी ही अपनी सोल है, बट वो जो है अपनी ही सोल से कांटेक्ट नहीं कर पाती 3D की वजह से, 3D की जो कंडीशंस है सोसाइटल, वो मैरिड हो कुछ भी हो, तो उस चीज़ से डर के जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो भी भागती है। फाइनली डिवाइन फेमिनाइन एक लड़की होकर भी जो है उस चीज़ को कंधे पे उठा लेती है, क्योंकि डिवाइन उसकी इस तरह से अवेकनिंग करवाते हैं, पेनफुली हो किसी तरह से भी हो, तो फाइनली उसको समझ में आता है कि उसको सिर्फ जो है सत्य का ही साथ देना है, तो वो उस चीज़ में आगे चली जाती है। बट यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन जो होता है उसके लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसकी वाइफ उसके सर के ऊपर नाच रही होती है, या मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या जॉब हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो उसको पकड़ के रखती है, जाने नहीं देती डिवाइन फेमिनाइन के पास। तो उसकी भी फिर जो पेनफुल अवेकनिंग होती है, आई थिंक डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़्यादा पेनफुल अवेकनिंग होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तो खुद ही एनर्जी का सोर्स होती है, तो वो अपने आप में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन जो है कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। तो इमेजेस यहाँ यहाँ उसके साथ क्या हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन का जो है सब दिखने लगता है, तो शायद डिवाइन मैस्कुलाइन को भी दिखता है। अब वो खुद ही जब अगर हमारा रियूनियन होता है तो मैं सबसे पहले तो यही पूछूंगी, यहाँ रोमांस वगैरह तो मतलब लाइफ ने इतना कुछ दिखा दिया है कि इन चीज़ों का ख्याल भी अब दिमाग में नहीं है, ऐसा हो गया है। तो मोस्टली सबसे पहली बात जो होती है, दोनों का ही नेचर जो होता है प्रोटेक्टिंग होता है, दोनों भी जो है सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फिर वो फैमिली मेम्बर हो, उनके पड़ोसी हो, सोसाइटी हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स में होता है, तो ये चाहे उनकी मदद ना भी कर पाए लेकिन इनके इंटेंशन यही होते हैं कि वो उनकी मदद कर सके और जितनी हो सके वो कर देते हैं। बट डिवाइन मैस्कुलाइन का कैसे रहता है, वो मतलब एक पुरुष होने की वजह से वो बाहर की चीज़ों पे प्रोटेक्शन की तरह दिखाता है। जैसे डिवाइन फेमिनाइन जो होती है उसकी एक स्त्री होने की वजह से उसकी एक लेवल होती है कि वो उसी लेवल तक जो है हेल्प कर सकती है, वो अपने गाइडेंस से हेल्प कर सकती है, वो अपने प्यार से हेल्प कर सकती है, केयर से हेल्प कर सकती है, बट वो जो है क्योंकि वो कमाती नहीं इसलिए वो पैसे नहीं खर्च कर सकती, और वो जो है कहीं दौड़ कर भाग कर नहीं जा सकती। पर डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं कभी भी किसी की भी मदद के लिए जो है दौड़ कर भाग कर जाते हैं और पैसे भी खर्च कर सकते हैं, मतलब दोनों भी डेडिकेट रहते हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि डिवाइन समझो डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली में उनको ऐसी फैमिली दी जाती है कि जैसे मेरे फादर को भी दी गई थी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी हो, तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसा था या नहीं मुझे नहीं पता, बट ऐसा बहुत सारे सर्च में वीडियो में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा गरीबी हो सकती है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, तो उसी वजह से उनके मन में इतना आ जाता है कि बस पैसे कमाना है पैसे कमाना है। तो वो स्किल वो बहुत हो सकता है स्टार्टिंग में वो सक्सेस ना हो, बट धीरे 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 वो उस चीज़ में बहुत ही सक्सेस हो जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती है तो वो बहुत बड़े ग्रोथ को जो है अचीव कर लेते हैं। अब बताते हो डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एटीट्यूड रहता है डिवाइन मैस्कुलाइन का। तो डिवाइन फेमिनाइन को स्टार्टिंग में तो वो एकदम आम लोगों की तरह ही समझते हैं और उसको भी बहुत एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, बट धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि ये जो एनर्जी है ये थोड़ी सी अलग है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जाते हैं बहुत सारे अफेयर्स में, तो यहाँ भी वो हो सकता है ट्राई करें, बट उनको वो फ़र्क समझ में आ जाता है दूसरी लड़कियों से और डिवाइन फेमिनाइन से। तो स्टार्टिंग में ये उनके सामने जो है काफ़ी ईगोइस्टिक वगैरह, कंट्रोलिंग नेचर, डराने धमकाने वाले, बट केयर बाय केयर, जैसे मैं मेरे लिए तो केयरिंग ही नेचर था, और डिवाइन फेमिनाइन के लिए ऑलवेज वो केयरिंग होते हैं,
और सबके लिए भी केयरिंग होते हैं, पर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देती है, कंफ्यूज हो जाते हैं उसको देख के वो। तो ये तो आम लड़कियों की तरफ देख के भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग में उनको लगता है ये वही वाला कंफ्यूजन है या वही वाला अट्रैक्शन है, बट धीरे धीरे अवेकनिंग का टाइम जब समझ में आता है तब उनको वो जो है समझ में आता है कि ये जो है कुछ अलग है। तो ये तो था प्रैक्टिकली कि वो एक केयरिंग नेचर वाले होते हैं, प्रोटेक्टिंग नेचर वाले होते हैं, मदद करना चाहते हैं सबकी, और इगोइस्टिक भी होते हैं, धोख जमाना चाहते हैं, डरा के रखना चाहते हैं, धमका के रखना चाहते हैं, कंट्रोलिंग नेचर। तो ये था सब जब तक अवेकनिंग नहीं होती है। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे कुछ और रूप भी देखने को मिले, जबकि मैं हम सामने भी नहीं थे। तो मैंने कुछ वाइब्रेशन डिटेक्ट की है बाय ड्रीम्स के थ्रू, और मुझे गाइडेंस भी मिला, तो वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि निगेटिव एनर्जी जो है आपको डराती है, डीएम के रूप में आके डराती है, और ये 100% ट्रूथ है, ये कुछ अफवाह नहीं है। सचमुच आपको ड्रीम्स के थ्रू मिसगाइड भी किया जाता है, और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए नहीं, आपके जहाँ भी फायदे होने वाले हो, जहाँ भी आप जैसी सोल हो, दोनों में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती है। जैसे मेरे सिस्टर के और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, फादर और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, तो जितने भी आपके सेम सोल होते हैं तो वो इनोसेंट होते हैं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो दोनों में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती है। तो सेम मिसअंडरस्टैंडिंग डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी क्रिएट की जाती है डिवाइन फेमिनाइन के मन में, कि ये जो है एक डेविल सोल है, ये तुम्हारा मतलब यूज़ करना चाहती है, ये तुमको बर्बाद कर देगा, ऐसा उसको दिखाया जाता है, और तब जाके तो सेपरेशन आ ही जाता है। तो मैं ड्रीम बताती हूँ। फर्स्ट ड्रीम था कि मेरे फादर जहाँ चेयर पर बैठते हैं उनके ऑफिस में, तो मैंने वहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन को बैठा हुआ देखा, और मैंने देखा कि मुझे जैसे किसी भिखारी को जगा दी जाती है सोने के लिए कि भाई तुम इस कोने में रह सकते हो। तो मुझे लगा मैं बहुत लाचार हूँ, मैं जो हूँ अपने फादर के जो है ऑफिस में सो रही हूँ। और मैंने आँख खोली तो देखा कि सामने जो है चेयर पर जो है डिवाइन मैस्कुलाइन बैठा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा डर गई, अनकंफर्टेबल हो गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। तो फिर मैं सोचने लगी बाप रे अब तो ये मुझे डांटेगा और मुझे यहीं पे सोना होगा, मैं 12 घंटे कैसे सो पाऊंगी, मैं मतलब बहुत वीक हूँ और मुझे जो है नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे बहुत 12 12 घंटे में सोती हूँ, तो ये क्या बर्दाश्त कर पाएगा, ये तो मुझे रोज मतलब पता नहीं कितने ताने देगा। तो ऐसा मैं सोचती थी, और हुआ एकदम उल्टा, जैसे उसने मुझे बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कंफर्टेबली ट्रीट किया, और उसने मुझे कहा कि जो भी मेरा बिस्तर है, चादर वगैरह मैंने लपेट कर रखा था, आप यहाँ रख सकती हो। तो मुझे लगा ठीक है बाबा, ये समय तो टल गया, नहीं तो ये शायद मुझे डांटता चिल्लाता पता नहीं क्या करता। आपके मतलब उस समय मैंने देखा कि मेरे किसी सगे संबंधी के साथ भी जो है वो हाथ मिला रहा है, वो जो है दोनों के मतलब मैंने उंगलियों पे देखा, वो जो भी था तो उनके हर एक उंगली पे जो था एक स्वीट रखा हुआ था, मतलब 5 स्वीट थे पांचों उंगलियों पे, और वो जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हाथ मिला रहे थे। मैंने फिर से एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा कि हमारा एक दूसरा घर था, पुराना घर, तो उसका दरवाज़ा मैंने देखा कि मैं बाहर खड़ी हूँ दरवाजे के, दरवाज़ा जो है मेरे लिए बंद है, जैसे कोई किस्मत का दरवाज़ा बंद हो उस तरह से मैंने देखा, और दूर डिवाइन मैस्कुलाइन खड़ा है और वो जो है उस दरवाजे की ओर देख रहा है, और वो मतलब वो चिंता कर रहा है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन की जो है वो चिंता कर रहा है इसके लिए। और मैंने देखा कि वो दूर से देख रहा है, चिंता कर रहा है, और यहाँ जो है उसके देखने से ही वो दरवाज़ा खुल गया और मुझे अंदर एंट्री मिल गई, और मेरे लिए कई सारे जो है अच्छी चीज़ें वहाँ पे थी। मैंने और एक ड्रीम देखा, अब सब पागल समझेंगे मुझे यार, चलो। तो मैंने और एक ड्रीम देखा कि मैं किसी पहाड़ पे हूँ,
और मैं जो हूँ किसी एडवोकेट का नाम लेकर, मतलब वकील का नाम लेकर पुकार रही हूँ, बड़े बड़े चिल्ला रही हूँ, जोर जोर से पुकार रही हूँ उसको, कहाँ हो तुम, ऐसा कुछ। और मैंने देखा साइड में ही और एक बड़ा पर्वत है, मतलब मैं भी पर्वत पे हूँ और साइड में जो है और एक बड़ा पर्वत है, और उसके सबसे बड़ी चोटी पर जो है डीएम बैठा है। तो वो कुछ ऐसा महादेव जैसा ही फीलिंग आ रहा था, तो मैं उसको महादेव नहीं बोलूंगी जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। तो वो बैठा है और उसके साथ जैसे गण बैठे हो, बहुत जैसे नंदी वगैरह सब बैठते हैं ना, तो वो सब जैसे दोस्त उसके या सर्वेंट हो जो भी हो, उसको वो लेकर बैठा है, बट चुपचाप बैठा है, शांत बैठा है। और मैं जो हूँ यहाँ अपने एडवोकेट के नाम से पुकार रही हूँ। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आगे जाके 4 महीने बाद या 6 महीने बाद मैंने एक वकील लगाया, और उस वकील का सरनेम जो था वही था जिसके नाम से मैं ड्रीम में चिल्ला रही थी। तो इस मीनिंग का क्या मतलब होता है ये मैंने कुछ ऐसे सुना है, मतलब डिकोड किया है। इसका मतलब है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की आदत होती है कि वो जो है बहुत नज़र रखते हैं, आपको पता नहीं चलता कि ये इंसान जो है आपके ऊपर नज़र रखे हुए, वो कहीं से भी उनकी नज़र बहुत शार्प होती है। तो मतलब वो क्या वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, वो सबके ऊपर नज़र रखते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन तो मतलब वो तो उनकी सोल ही है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, तो उसको जो है वो बड़ा बराबर वो उसको कैच कर लेते हैं, नज़र रखते हैं उसके ऊपर। जब पर्वत मतलब ऊपर बहुत ऊपर खड़े हो आप, नीचे से जो है मतलब दूर से अब उसको देख रहे हो, नज़र रख रहे हो, और जो साथ में गण बैठे हैं, मतलब जो परिवार उसका या सर्वेंट हो, दोस्त हो, जो भी हो, उसको भी वो जो वो भी नज़र रख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो किसी की मदद ले रहा है, या जो हो सकता है किसी को उसने काम पे भी लगाया हो कि इसके ऊपर नज़र रखो, तो ये हो सकता है। तो मतलब वो नज़र रखे हुए है। और कहीं कहीं ना कहीं मुझे एक सॉन्ग भी मिला है, अभी वो किसी ने शेयर किया था कमेंट बॉक्स में, मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है, तू जहाँ कहीं भी है मेरी निगाह में है। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर ये जो है मैसेज है एंजल की तरफ से। वो एक तरबूज वाला ड्रीम भी मैंने शेयर किया था कि मेरे पास जो है बहुत तरबूज है, तरबूज के टुकड़े जो है, और डीएम बहुत डरा हुआ दिख रहा है मुझे, बट उसने जो है वहाँ पे वो पीस उठाया है तरबूज का। तो पेंगुइन का भी मैंने सुना है कि ऐसा ही होता है, एक पेंगुइन अगर शादी करना चाहता है, या इसका मतलब शादी नहीं, मतलब वो रिलेशन बनाना चाहता है किसी के साथ, तो वो क्या करता है कि जो दूसरा पेंगुइन होता है उसके सामने वो जो है आइस का टुकड़ा रख देता है, अगर उस दूसरे पेंगुइन को रिश्ता कबूल हो तो वो अपनी चोंच से जो है वो आइस का टुकड़ा जो होता है उठा लेता है। तो मतलब इसको जो है ये पसंद है, ही इज़ इंटरेस्टेड टू डिवाइन फेमिनाइन, इसका मतलब है वो, जो कि वो खुद नहीं बता सकता, इसलिए एंजल जो है आपकी दोनों की मदद करते हैं, उसकी ट्रू फीलिंग्स जो है डिवाइन फेमिनाइन को बताते हैं। एक ड्रीम थोड़ा अवेकनिंग की और भी फोकस करते हुए मुझे दिखाई दिया, लेकिन उस ड्रीम को जो है 1 साल पूरा हो गया बट ऐसा कोई उसको रिजल्ट नहीं मिला। कहते एक ड्रीम नहीं शेयर करना चाहिए, बट मैंने तो शेयर कर दिया। तो उसमें मैंने देखा था कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है पीछा कर रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइन डर गई है, और वो बोल रहे हैं कि हम जो है डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढ रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन हमसे भाग रही है। तो उनके चेहरे पर मैंने जैसे ऐसे देखा कि जैसे रियल में ही देख रही हूँ। मैंने और एक ड्रीम देखा जिसमें डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोल रहे थे कि तुम जो हो इसको अभी तक नहीं भूली, मतलब उनके मन में ये है कि ये जो है सिर्फ मुझे ही प्यार करनी चाहिए, वो जो है किसी और अदर पार्टनर की, मतलब इनसिक्योरिटी भी डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में होती है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन जो है सिर्फ मुझे चाहे, किसी और के ऊपर उसका फोकस ना हो, भले उसका हस्बैंड हो, कार्मिक हो, किसी और के साथ इसका रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इनसिक्योरिटी उनके मन में होती है, फिर उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं जैसे ट्विन फ्लेम्स के वीडियो फेसबुक पे शेयर करती थी, तो मैंने उस ड्रीम में देखा
कि बोर्ड पे बहुत सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा सोल हृदय एकदम पागल हो रहा है खुशी से कि वाह वाह इसने मेरे लिए जो है इतने अच्छे अच्छे मैसेज रखे। वो मतलब खुशी उनकी समा नहीं रही, इतनी वो उनको खुशी हो रही है कि इसने मतलब ट्विन फ्लेम्स के वीडियो जो है शेयर किए हैं। तो अच्छे होते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए भी और सब।